अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि हमने जेंगो के अंदर अपना प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से बनाना है। तो उसके लिए जो है वो हम पहले एनाकोंडा ओपन करते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अच्छा, यहाँ से मैंने फिर जो है वो CMD को ओपन किया। अच्छा, तो मैं डायरेक्टली जो हूँ वो एडमिन के अंदर मौजूद हूँ। अगर आपने कोई डायरेक्टरी चेंज करनी है तो आप वो डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। आप डी वगैरह कहीं पे भी जाके अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने डी में जाके एक मैंने फोल्डर बनाना है MKDIR, और वहाँ पर जाके मैंने रख दिया माई प्रोजेक्ट्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। सॉरी, MKDIR है, MK के नहीं है। तो फिर मेरे पास ये फोल्डर बन गया। मैं इस फोल्डर में जाता हूँ माई प्रोजेक्ट्स के नाम से। और अब जो है उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। फोल्डर बना लिया, उसके बाद जो है फोल्डर में आ गए, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड जो है वो जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और आगे प्रोजेक्ट का नेम आ जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं, जेंगो डैश एडमिन और फिर स्टार्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आ गया है EWT। ओके, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम इस फोल्डर में जाते हैं EWT में, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने रन सर्वर करना है, और वो भी हमने manage.py के थ्रू करना है। इस चीज़ को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा DIR। DIR ने मुझे बता दिया मेरे पास यहाँ पे manage.py वाली फाइल जो है वो मौजूद है। अगर आपके पास लिनक्स या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तब आपने यहाँ पे DIR की जगह ls की कमांड होती है, तो आप उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, पाइथन को यूज़ करते हुए मैंने manage.py और इसके थ्रू मैंने रन सर्वर कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारा सर्वर जो है वो चल चुका है। अब हम इसके ऊपर पाइथन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको चला सकते हैं। ये देखें जी, ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और ये सर्वर का IP और ये एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सॉरी, हाँ ये है, हम दोबारा से चलाते हैं। और यहाँ पर जाके मैंने सेम IP लिखा 127। तो ये देखें जी, यहाँ पे मुझे बता रहा है द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये है किस चीज़ का, जेंगो का है, यानी जेंगो की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन सारी हो चुकी है। अब हम जेंगो को यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी जिसे हमें पता लगा सारा।